हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक टीआरवी। दोस्तों आज का वीडियो है वापस से वही चीज़ों पे, DJI Mavic Mini के ऊपर, क्योंकि DJI Mavic Mini के ऊपर इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे इश्यूज, बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत लोगों को सॉल्यूशंस पता नहीं। इसी की वजह से मैं काफ़ी सारे वीडियोस DJI Mavic Mini के ऊपर बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग को बहुत सारे हेल्प हो। बट फिर भी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज जियो जोन्स, मतलब जियो जोन्स क्या है, कि आप इस रेशियो में उड़ा सकते हो क्या, इंडिया में आप आपके ड्रोन DJI Mavic Mini उड़ा सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस बात पे इस वीडियो को देखें पूरा और जाने जियो जोन्स के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि मैंने कहा, आज के इस वीडियो में हम लोग जियो जोन्स के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस जियो जोन्स जो है ना, एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस बनाया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज बनाया हुआ है हर एक कंट्री में। तो इंडिया में भी उसी तरह बनाया हुआ है। आज मैं हूँ यहाँ पे घाटकोपर में, राजावाड़ी गार्डन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शांति है, गार्डन है और यहाँ पे काफ़ी ओपन प्लेस है, तो हम लोग उड़ा सकते हैं, राइट। सो ये भी एक ऑथराइज जोन में, ओके, ये भी एक जोन है तो जहाँ पे हम लोग फ्लाई नहीं कर सकते। सो जैसे कि आप लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा है मेरे, जहाँ पे मैंने प्रोपेलर गार्ड्स को इंस्टॉल करने के बारे में बताया, तो लास्ट में मैंने मेरा DJI Mavic Mini को फ्लाई किया था। वो घर में फ्लाई इसके लिए हुआ था क्योंकि वो एक ओपन एरिया नहीं था, वहाँ पे GPS सेक्शंस नहीं मिल रहे थे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि GPS मिलने के बाद भी फ्लाई नहीं होता है, ऑथराइज जोन में या फिर रिस्ट्रिक्टेड जोन हो या फिर एल्टीट्यूड जोन हो। बेसिकली यहाँ पे जियो जोन्स में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो और ये मैं देख रहा हूँ DJI के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा रेडियस है और ये लोकेशन है इंडिया के मुंबई सिटी के एयरपोर्ट का। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे DJI जियो जोन्स ने काफ़ी मार्किंग्स करके रखा हुआ है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन जोन, एल्टीट्यूड जोन, ऑथराइजेशन जोन, वार्निंग जोन और एनहांस जोन। तो यहाँ पे ये 5 तरीके का जोन है। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके बात करूँ हर एक जोन के बारे में, तो सेंटर में जैसे कि रेड जोन है, वो एक लैंडिंग और एक टेक ऑफ का फ्लाइट एरिया है, एक एयरपोर्ट है तो वहाँ पे आप उड़ा नहीं सकते आपका फ्लाइट। सेकेंड आता है ऑथराइज जोन, जो कि ब्लू कलर में है, सो वहाँ पे आपको परमिशन लेके आप फ्लाई कर सकते हो। और तीसरा आता है एक एनहांस जोन, तो वहाँ पे भी आप फ्लाई कर सकते हो बट आपको अप्रूवल और परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप एक रेशियो देख सकते हो एक्स में ग्रे कलर का, तो ये जो जोन है वहाँ पे आपका फ्लाइट वेज में जाता है जो कि है अपवर्ड, और एक आता है डाउनवर्ड जब वो फ्लाइट लैंड होता है। सो वो भी प्लेस है जहाँ पे आपको हाइट रिस्ट्रिक्शन मिलता है 55 मीटर्स का, और काफ़ी सेफली उड़ाना पड़ता है आपका ड्रोन इस ऑथराइज जियो जोन्स के अंदर। और जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर उसके पहले यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट करेंगे कि ड्रोन ऑथराइज जोन में होने पर भी क्यों नहीं उड़ता और क्या रिस्ट्रिक्शन आता है आपको। सो पहले फटाफट ड्रोन को इंस्टॉल करते हैं और आपको बताता हूँ मैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन में, मैंने अपना DJI Mavic Mini मेरे RC कंट्रोलर से कनेक्ट कर दिया और साथ में मेरा स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर लिया हूँ। अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, मैं अभी इसको ऊपर उड़ाने की कोशिश करूँगा, बट आप लोग अगर स्क्रीन पे देख रहे इस साइड में कि यहाँ पे आपको जियो जोन्स का एक ऑलरेडी रेड मार्क आ चुका है, डेट मीन्स उसे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि एयरक्राफ्ट एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में है, जबकि हम लोग ऑथराइज एरिया में है। उसको पहले अनलॉक करना पड़ता है DJI के वेबसाइट पर। वो कैसे अनलॉक किया जाता है वो देखो, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अनलॉक होने के बाद कैसे फ्लाई किया जाता है। दोस्तों ऑथराइज जोन में ड्रोन फ्लाई करने के लिए आपको करना पड़ेगा अनलॉक DJI के वेबसाइट पे, और उसके लिए आपको आपके PC या फिर लैपटॉप का यूज़ करना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद। तो आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करना पड़ेगा DJI फ्लाई सेफ। जैसे कि आप ओपन करोगे सर्च करने के बाद पहला ही पेज आपको मिल जाएगा DJI फ्लाई सेफ, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पेज ओपन होते ही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका एरिया, जैसे कि एशिया है आपका एरिया, और उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है इंडिया। जैसे पेज को आप सिलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक और वीडियो मिल जाएगा कि फ्लाई सेफ विद DJI के वीडियोस कैसे हैं, किसके ऊपर है, तो आप वो देख लीजिए पूरा। यहाँ पे जैसे मैंने जियो जोन सिलेक्ट किया, तो जियो जोन सिलेक्ट करने के पहले यहाँ पे आपको Mavic Mini सर्च करना पड़ेगा, और Mavic Mini सर्च किया तो यहाँ पे जैसे कि मैं रहता हूँ मुंबई में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो जोन्स के जो रेशियोज़ है, जो डायग्राम्स है, वो पूरे तरीके से दिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो हमें जो फ्लाई करना है वो है ये इस ब्लू जोन में। सो यहाँ पे हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, बैक जाके अनलॉक रिक्वेस्ट के लिए डालेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, स्क्रॉल डाउन करके अनलॉक अ जोन,
तो यहाँ पे आपको लॉगिन पूछेगा, तो लॉगिन कर लो उस रजिस्टर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। जैसे ही आप अपने आईडी से लॉगिन कर लेते हो, यहाँ पे एक पेज चालू हो जाता है जहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, कस्टम अनलॉकिंग और सेल्फ अनलॉकिंग। तो हम लोग को क्लिक करना है सेल्फ अनलॉकिंग पे, और सेल्फ अनलॉकिंग करने के बाद यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स दिया जाता है कि लाइव सेल्फ अनलॉकिंग किया जाना है और उसे कैसे किया जाता है। पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा आपका ऑथराइजेशन जोन, उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका फ़ोन नंबर, और तीसरा आप फ्लाई कर सकते हो उस ऑथराइज जोन में। सो गाइस, स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। आप चाहो तो आप ये रीड कर लेना, बट फिलहाल मैं फटाफट भगाता हूँ इसे। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे जोन्स दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे अपना जोन सिलेक्ट करना है। जोन सिलेक्ट करने के पहले ध्यान देना कि यहाँ पे ऊपर आपको फील्ड को फिलअप करना है कि आपका कौन सा ड्रोन है, जैसे कि मेरा मैविक मिनी है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। लोकेशन के ऊपर आपका मिल गया कि ये है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एक मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लाइट कंट्रोल का सीरियल नंबर डालना है। उसके लिए आपको आपका RC रिमोट और जो हमारा ड्रोन है उसे कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपको ऐप पे जाके गो फ्लाई में सेटिंग्स के ऑप्शंस में आपको आपका फ्लाइट का जो सीरियल नंबर है वो मिल जाएगा। सो ये मिलने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट करना है, और इनपुट करने के बाद आपको नीचे जो डेट दिया हुआ है, शेड्यूल दिया है, वो सिलेक्ट करना है। और मेक श्योर कि ये जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसे आपको 1 डे प्योरर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब रिफ्रेश पेज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फ्लाई करना है 4 तारीख को, तो आज 3 तारीख है, तो 12 बजे के पहले मुझे ही वो एप्लीकेशन डालना है, और जिसका अप्रूवल ठीक रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो उसी तरह यहाँ पे आपको करना है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ डेट, तो डेट मैंने सिलेक्ट किया है 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, और वो 2 डेज के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर DGI अनलॉक फीचर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे हमें सारे रीड्स एंड ये टर्म्स जो भी लिखा हुआ है उसे एग्री करना पड़ेगा। एग्री करते हुए एक नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे उसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। सो वहाँ पे आपको भी येस और प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट पेज आएगा रिफ्रेश होके, जहाँ पे आपका आपका मोबाइल रजिस्टर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो अपना लोकेशन है वो है इंडिया, तो इंडिया सिलेक्ट कर दीजिए, और नीचे अपना फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिसके ऊपर आपको SMS कोड आएगा। नंबर इनपुट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हैव रिव्यूड द प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड का बटन दबाना, और सेंड करते ही आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, और OTP को उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पे इनपुट करना है। वो इनपुट करने के बाद आपको वेरीफाई का बटन क्लिक कर देना है। जैसे आप बटन वेरीफाई कर जाओगे तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है और जियो जोन्स अथॉरिटी अनलॉक हो जाएगा कुछ ही देर में, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो उसके बाद आपको आपके DJI गो ऐप के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो कि ये सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। अपना जो प्रोसेस था अनलॉक करने का ऑथराइज जोन DJI की वेबसाइट पे, वो तो हो चुका है। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, ये देखते हैं कि क्या वो ऑथराइज जोन में हमारा ड्रोन फ्लाई होता है या फिर नहीं, और DJI मैविक मिनी को फ्लाई करने के पहले हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द प्रेजेंट वीडियो। सो गाइस, देखा आप लोग ने प्रोसेस कि कैसे उसे एक्टिवेट किया जाता है, और वो 24 आवर्स के बाद ही अप्रूवल आने वाला है, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया, मैंने कल यस्टरडे किया था, इसके लिए आज यहाँ पे मैं रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ। तो अब हम लोग इसको फ्लाई करने के लिए क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आप देखिए जो मेन स्क्रीन है आपका लॉगिन रहेगा, राइट। जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाने के जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनलॉक जियो जोन्स, ठीक है। तो उसे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक लाइसेंस मिल चुका है जो कि अनलॉक एरिया है आपको छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये चीज़ ऑलरेडी हमारे ऐप पे, हमारे लॉगिन आईडी पे आ चुका है, और अब इसे क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। कहाँ पे? इस ड्रोन के अंदर इस तरीके से काफ़ी सेटिंग्स किए हैं, जैसे कि आप इसे जियो टैगिंग कर सकते हो, इसमें आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्टली लोकेशंस क्या है। सो अभी यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ इसे, इंपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो मैं स्क्रीन पे देखा, यहाँ पे टेक ऑफ का परमिशन हम लोग को मिल गया है, काफ़ी ईजी है। अब यहाँ पे जो ऑथराइज जोन हम लोग ने देखा था वहाँ पे भी हम लोग को 2 डेज़ के लिए वैलिडिटी मिला है, तो अब ये जोन में रेडी है उड़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे फ्लाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एक और एक नोटिस आ गया है, एयरक्राफ्ट इन एनहांस वार्निंग जोन सो फ्लाइंग विद कॉशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि छत्रपति शिवाजी का जो भी एड्रेस है, अपना जो एयरपोर्ट है उसका नाम आया है, उसके नीचे दिया है कंटिन्यू विद फ्लाइंग। तो यहाँ पे आपको टिक करना है आई एग्री टू अज्यूम
फुल लाइबिलिटी फॉर फ्लाइंग इन दिस एरिया, मतलब कि अगर आप लोग फ्लाई कर रहे हो यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ भी दुर्घटना होती है या कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप होगी, क्योंकि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है इस ड्रोन का। ओके, सो मैं ये कंफर्म करता हूँ और अभी हम लोग टेक ऑफ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एरिया में हम लोग ने ड्रोन फ्लाई किया है, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है, ऑथराइज जोन है, रिस्ट्रिक्टेड जोन नहीं है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग ने इस वीडियो में देखा, अब तक यहाँ पे मैंने आप लोगों को जियो जोन्स के बारे में बताया है, इसे अनलॉक कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें बताया हुआ है, और ऑथराइज जोन में उड़ाने का कैसे वो भी मैंने आपको बताया है। ओके, DJI फ्लाई सेफ के ऐप पे या .com पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कैसे अनलॉक किया जाता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इसी वक्त पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, और अपना ड्रोन आ चुका है जैसे कि एस होम बटन दबाते ही। इसी वक्त पे आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बहुत सारे DJI के वीडियोज़ आने वाले हैं। सी यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।